नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट सेंचुरी। केएल राहुल ने तोड़ी सारी हदें की शिखर धवन की भयंकर बेइज्जती। शिखर धवन ने चुपचाप किया सब सहन, तो क्या है पूरी खबर आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मौजूदा वक्त में केएल राहुल और धवन में कौन बेहतर बल्लेबाज है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कप्तान के रूप में इस बार केएल राहुल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, और उससे भी खराब उनका व्यवहार सामने आ रहा है। अब कप्तान केएल राहुल ने उस शिखर धवन की बेइज्जती कर दी, जिसके बलबूते पर पूरी टीम ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के तीसरे वनडे मैच के दौरान। केएल राहुल ने यहाँ मैदान पर ही शिखर धवन की इज्जत उतार दी, लेकिन शिखर धवन का बड़प्पन देखिए, चुपचाप उन्होंने केएल राहुल की सारी बातें सुन ली। आइए आपको बता दें कि पूरा मामला क्या हुआ था। दरअसल भारत की पारी के दौरान शिखर धवन जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बलबूते पर टीम इंडिया का स्कोर सम्मानजनक रहा। मैच के बाद केएल राहुल ने शिखर धवन की तरफ देखा और बहुत कुछ कहा। दरअसल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान केएल राहुल ने कहा, धवन ने जो प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ है, लेकिन शिखर धवन ने अपना विकेट खोकर पूरी टीम को निराश किया है। टीम के सभी खिलाड़ियों को मैच की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पहले ही मैं अपने आलोचकों को बता दूं कि मैंने कप्तान के तौर पर बेहतर फैसले लिए हैं। सीरीज नहीं जीत पाए उसमें सभी खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। ये सारी बातें शिखर धवन चुपचाप सुनते रहे और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। कप्तानी में चूर केएल राहुल शिखर धवन को बहुत कुछ कह गए। दोस्तों, केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में आप किसे वनडे का बेहतरीन कप्तान मानते हो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।